रियल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबीक्विक ऐप पे ओटीपी नहीं आ रहे तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके भी फोन में मोबीक्विक ऐप के ओटीपी नहीं आ रहे और आप इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आते एक ऑप्शन आएगा ऐप का, ऐप पे क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके फोन में जो भी ऐप रहेगी वो आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली ऐसे आपको मोबीक्विक ऐप पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा स्टोरेज का, इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा क्लियर डाटा, इस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन का डाटा क्लियर होगा। उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा ऐप परमिशन का, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आएगा SMS की परमिशन को, इस परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद में आपके फोन में मोबीक्विक ऐप के OTP आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके भी फोन में इस ऐप के OTP नहीं आ रहे तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस प्रकार पर ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लेना ताकि कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके।